लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। इंदारा फेफना रेल प्रखंड अंतर्गत रसड़ा रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण सहित प्लेटफॉर्म नंबर 2 के निर्माण में कार्यदायी संस्था RBNL के संबंधित ठेकेदार द्वारा घटिया किस्म का ईंट प्रयोग किए जाने का मामला अब तुल पकड़ता चला जा रहा है। साथ ही ठेकेदार की हठधर्मिता एवं विभागीय उदासीनता से क्षेत्रीय लोगों में रोष देखा जा रहा है। रेल परामर्शदात्री समिति के सदस्य नरेंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंडल रेल प्रबंधक ने विशेष जांच समिति गठित कर इन कार्यों की जांच कराने का आश्वासन से लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। गौरतलब है कि फेफना से इंदिरा जंक्शन तक दोहरी लाइन बिछाने के साथ साथ रसड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 का निर्माण काफी तीव्र गति से कराया जा रहा है, किंतु विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से संबंधित ठेकेदार द्वारा मानकों की भारी अनदेखी के साथ साथ प्लेटफॉर्म निर्माण में दोयम दर्जे का ईंट व अन्य सामान प्रयोग किए जाने से क्षेत्रीय प्रबुद्धजनों में रोष देखा जा रहा है। विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा इसकी त्वरित जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो निसंदेह लोग आंदोलन को विवश होंगे। वे स्टेशन पर भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए आई हुई है। यहाँ पे देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जो है घटिया ईंट का निर्माण किया जा रहा है। घटिया ईंट के निर्माण से जो है वो ढाला जा रहा है, लगाया जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश के बलिया से जो है आज समाचार रेडियो की टीम दिखाएंगे और घटना स्थल पे आ गए हैं टीम, हम देखना चाहेंगे। यहाँ कुछ इनसे बात भी करने का हम प्रयास किए हैं कि देखिए किस तरीके से ईंट का जो है प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग बता रहे हैं कि 2 नंबर का ईंट है, लेकिन ये 3 नंबर का ईंट है। घटिया ईंट का निर्माण से जो है कार्य हो रहा है और इंदारा फेफना रेल प्रखंड अंतर्गत जो है DRM से हम इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। लोगों को ध्यान आकर्षित भी करा रहे हैं। लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे घटिया निर्माण काम कराया जा रहा है। यहाँ पे हालांकि सैकड़ों मजदूर लगे हुए हैं, देख लीजिए कैमरा की तरफ से ले। और इसे रेलवे का चूंकि काम 1 नंबर का होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी 1 नंबर का दिया जाता है, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों ठेकेदार जो है वो घटिया मटेरियल का यूज कर रहा है। आइए हम उत्तर प्रदेश से बलिया से समाचार से पिंटू सिंह दिखाएंगे और लोगों से प्रत्येक जमात में अपना एक परिचय बताएं। नरेंद्र श्रीवास्तव यहाँ का निवासी हैं। देखा जाए तो जो है इंदारा फेफना रेल प्रखंड अंतर्गत यहाँ पे काफी दिनों से रेल दोहरीकरण का काम चल रहा है और यहाँ पे जो है रेलवे के मानक के विपरीत कार्य किया जा रहा है। हालांकि रेलवे परामर्शदात्री भी हैं। क्या आपका आरोप है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को तक दिया है, परंतु अभी तक कोई सार्थक कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। और निश्चित रूप से यहाँ बहुत ही खराब क्वालिटी का काम हो रहा है, जैसा कि आप स्वयं देख रहे हैं। ईंटों की क्वालिटी यहाँ बहुत ही ख़राब है, नई ईंटें भिगाई जा रही हैं और भिगाना तो दूर, ये 3 नंबर की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है जो उठाते ही टूट जा रहे हैं, आधे से अधिक इसमें टुकड़े हैं। इस तरह से ये जनता के पैसे की बर्बादी है और उम्मीद है कि रेल प्रशासन इसे गंभीरता से लेगा। नहीं तो आप रेलवे के परामर्शदात्री भी हैं और रेलवे के उच्च अधिकारियों के आपसे अवगत भी कराते हैं, रेलवे बोर्ड तक भी आपकी समस्या सुनी जाती है, बात को अवगत भी कराते हैं, लेकिन आखिर किस तरीके से ऐसा ठेकेदार है, ऐसी कंपनी है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है और यहाँ की जनता को शोषण करने पर मजबूर कर दिए? ये निश्चित रूप से चिंतनीय है, इस बात को हमने गंभीरता से प्रशासन तक पहुँचाया है। देखते हैं प्रशासन जल्द ही कोई सार्थक कदम उठाएगी और उम्मीद है इस भ्रष्टाचार को रोका जाएगा और गुणवत्ता पर कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से, खबर के माध्यम से जो है DRM जो है वाराणसी को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या उनको अवगत कराना चाहेंगे इस खबर के माध्यम से? मैं चाहूँगा कि वो स्वयं इसका संज्ञान लें और गंभीरतापूर्वक इसका इसकी मॉनिटरिंग करें और यहाँ से अन्य स्टेशनों के जो काम हो रहे हैं उनमें अच्छे गुणवत्तापूर्वक कार्यों को अंजाम दिया जाए। देखा जाए तो 2 नंबर प्लेटफार्म काफी लंबा और काफी बड़ा है समझिए, और ऐसे में जो है 3 नंबर ईंटों का काफी तादाद में जो है समझिए कि लाखों ईंटों का जो है समझिए 3 नंबर का यूज किया गया है। तो आखिर जो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, न खाएंगे न खाने देंगे, और ऐसे में जो है भ्रष्टाचार का है सीधा सीधा खेल देखा जा रहा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की मंशा साफ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं, वो दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है और समझना भी है। चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून सर, बलिया से समाचार एटीट्यूड से पिंटू सिंह बोल रहे हैं सर। समाचार एटीट्यूड में वाराणसी मंडल के DRM जो है का स्वागत है सर। ऐसा में एक ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे सर, इंदारा फेफना रेल प्रखंड अंतर्गत जो है दोहरीकरण कार्य चल रहा है उसमें रसड़ा प्लेटफार्म नंबर 2 पे जो है सर 600 मीटर का कार्य जो कराया जा रहा है वो बहुत ही मानक के विपरीत कराया जा रहा है, घटिया निर्माण कराया जा रहा है। 2 नंबर की जगह पे 3 नंबर का ईंटा लगाया जा रहा है जो काफी आगे चल के जो है कहीं ना कहीं यात्रियों को या रेलवे को भी काफी जो नुकसान पहुंचा सकता है। क्या प्रतिक्रिया होगी सर इस पे आपके? नहीं, अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल गलत है। अभी हम अपने रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारी
जो काम करा रहे हैं जी, अभी मैं तुरंत उनको बोलता हूँ, जाके देखेंगे और उसको चेक करेंगे। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, चूंकि आपका जब से आप आए सर कार्य बड़ा होते और गुणवत्ता पर हो रहा है, चूंकि इसलिए हम सोचे कि ध्यान आकर्षित कराएं सर, और आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।